हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आज का ब्लॉग भी स्टार्ट करूँ। 12:30 होने वाले और अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना कल वाला जो मैं कुछ लेके आई थी सामान, वो वाला वीडियो शूट किया था। तो मैं कहा चलो ठीक है, ब्लॉग भी कर लेते हैं। तो जस्ट अभी नहाया धोया मैंने, जैसे कि मैंने पहली बार वीडियो में, और सानवी ने कल रात को शायद उसे ठंड लग गई होगी तो उसने पूरे बेड पर शुशू कर दिया। तो वो तो अच्छा हुआ कि हमने प्रोटेक्टर बिछा रखे हैं तो उसकी वजह से बच गया। तो अभी जस्ट मैंने अपना पूरा सामान से फैलाया हुआ था क्या था, लेकिन मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तो मैंने कहा चलो ठीक है फोल्ड करती हूँ, साथ के साथ ब्लॉग भी शुरू करती हूँ अपना। तो चलिए मौसम दिखाती हूँ आज का आपको। आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, ना धूप है ना छांव है, मतलब हल्का फुल्का बादल लगे हुए, हल्की फुल्की धूप आ रही है। और तो यहाँ मैंने कपड़े धो के डाले हुए थे जो उसने शुशु वाले कर दिए थे, प्रोटेक्टर, बेडशीट, और ये बेडशीट जो मैं आपको कल दिखा रही थी जो मैं लेके आई थी, यहाँ नीचे से दिखेगा ग्रीन कलर का, तो वो टॉवल्स वगैरह सब धो के डाले हैं बाहर। तो ऐसा हो रहा है कुछ मौसम। तो मैं कल के जो कपड़े धुले हुए थे उनकी फोल्डिंग ही कर रही थी, पूरा बेड अभी मैंने बिल्कुल भी वो नहीं किया है कि इसके ऊपर बेडशीट वगैरह बिछाऊँ। मैं एक बार प्रोटेक्टर सूख जाए तो उसके बाद ही बेडशीट बिछाऊंगी। तो अभी मैं कपड़े फटाफट से फोल्ड करती हूँ, सानवी को लेके आती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि दिन तक क्या होता है ना। तो बने रहिएगा इस मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिया, अब मुझे सिर्फ अलमीरा में रखने हैं और इसके ऊपर मुझे प्रोटेक्टर बिछाना है, तब मैं बेडशीट बिछाऊँगी, नहीं तो फिर ये ऐसी रहेगा शाम तक। तो अभी मेरा काम हो चुका है फाइनल, मैंने कपड़े डाल दिए अंदर, बस बेडशीट तभी बिछाऊंगी जब होगा, और फटाफट से अंडे उबाल। तो आज हम बना रहे हैं अंडा करी, तो जिसके लिए मैंने सोचा कि सानवी को लेने जाने से पहले अंडे उबालने के लिए रख दूँ, जब तक मुझे 5 मिनट लेके आऊँगे तब तक अंडे बॉयल हो जाएंगे, तो ये रख दिए मैंने अंडे। तो यहाँ पर हमारे अंडे उबल के रोस्ट हो चुके हैं और ये इसके लिए मसाला बन चुका है, और यहाँ पर मैंने रखे थोड़ा सा चावल सानवी के लिए। सो गाइस, दिन का लंच रेडी होने के बाद सानवी ने खा लिया है, और क्योंकि 2 बज गए हैं तो अब उसके थोड़ा सोने का टाइम होता है, उसी के लिए मैंने दूध गर्म करने आई थी। तो उसे पसंद है चावल और ऐसे अंडा करी, उसे ज़्यादा पसंद है, या कड़ी चावल या फिर राजमा चावल, छोले चावल, उसे ऐसे ज़्यादा चीज़ें ऐसे अच्छी लगती है। अकॉर्डिंग की रोटी वो बहुत उसमें रेयर मात्रा में खाती है कि रोटी मुझे कि चलो खानी है सुबह शाम, वाला हाल होता है उसका, नहीं तो उसे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं कहा ठीक है, उसके लिए मुझे अच्छा लगता है, फिर थोड़ी देर में मतलब थोड़ा सा मैं अपने लिए भी एक्स्ट्रा चावल बना देती हूँ, क्योंकि जब बिना चावलों के ना मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। तो बस अब उसके लिए दूध गर्म करती हूँ फटाफट, अभी तो वो टीवी देख रही है, तो मैं तो दूध गर्म करती हूँ, फिर उसे थोड़ी देर सुलाती हूँ ताकि उसकी जो भी थकान होगी स्कूल से आई हुई वो थोड़ी सी कम हो जाए, फिर करेंगे हम लंच, है ना। चलिए, तो जस्ट यहाँ पे अभी पापा उनकी सबकी रोटियाँ बनी, रोटियाँ बनाई मैंने, और उसके बाद मैं अपना लंच करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे मैंने रखा अंडा और चावल। तो हमारा लंच हो चुका है कंप्लीट, और जस्ट अभी मम्मी लोग नीचे गए थे तो सारी लेडीज़ ने, कल थी रूपाली उनकी एनिवर्सरी, तो आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा मतलब एक दिन छोड़ के, और तो उन्होंने बोला कि चलो चाय पकौड़े हो जाए। तो अब जस्ट हमने लंच किया और अब मम्मी चाय पकौड़ी की हम तैयारी करते हैं, पापा गए समोसे लेने के लिए और हम बनाएंगे मेथी और आलू के पकोड़े। तो एक छोटी सी चाय पार्टी हो जाए, टी पे चर्चा, है ना। तो करते हैं काम शुरू फिर से अपना, बैक टू वर्क, और साथ साथ ब्लॉगिंग भी करेंगे, है ना। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। बाल धोने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, कि बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और जब धुले नहीं होते ना 2 दिन में मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं ऐसे कि जैसे मतलब महीनों से नहीं धोए होंगे मैंने ऐसा। तो चलिए बैक टू वर्क। तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही है और यहाँ पर पकौड़े तले जा रहे हैं, और कुछ बैटर अभी इसमें बाकी था कढ़ाई में, मम्मी ने बड़ी कढ़ाई में बना दिया था, और आधे पकौड़े इसमें तल के हमने रख दिए थे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। तो ये हमारे पकौड़ा। सो गाइस, ख़त्म हो चुकी है हमारी पार्टी, और हम लेडीज़ का मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है ब्रेकफास्ट से और ख़त्म होता है डिनर पे। तो आज मेरे हस्बैंड लेट में आए और उन्हें अंडा करी पसंद नहीं है, तो इसी के लिए मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए पहले, मैं कहा फिर किचन में काम करने के लिए बाजू ऊपर करनी पड़ती है। तो मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ अब चंक्स रैप, सोया चंक्स रैप, आओ दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने काट दिए एक टमाटर और एक प्याज और सोया चंक्स भी हो के रखे थे, और अब मैंने उन्हें स्ट्रेन करने के लिए रख दिया, और यहाँ पे मैं रखूँगी कढ़ाई में तेल। तो यहाँ मेरा मसाला हो चुका है रेडी, अब बनानी मुझे रोटियाँ, रोटी, हरी चटनी, केचप और मेयोनीज, और इसे मैं पूरा फैला दूँगी
ये देखो, और यहाँ मैंने इसे रैप के अंदर जो मसाला बनाया था वो रख दिए, और इसे टाको बेल की तरह ऐसे बन जाए। सो गाइस, अब डिनर का हो चुका है डन, मेरे हस्बैंड का और मेरा, सानवी का भी किया नहीं, और मम्मी पापा का भी होना बाकी है, हमारा तो हो गया, तो उनके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा क्योंकि वो न्यूट्री रैप खा नहीं रहे। तो हमारी ज़िंदगी लेडीज हाउस वाइफ की ज़िंदगी किचन से शुरू और किचन पे ही ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। कभी आप भी न्यूट्री रैप बना के देखिए, बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है बच्चों के हिसाब से भी, और जो भी घर पे खाते हैं उनके लिए भी, क्योंकि न्यूट्री होती है बहुत प्रोटीन रिच है ना। तो मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपने अपनी फैमिली का, जय माता दी, राधे राधे।